नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRTech यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB, इसकी आप BC पॉइंट कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आधार का भी काम मिलने वाला है, जैसे कि आधार में यहाँ पर अपडेट का पूरा कार्य आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड एनरोलमेंट का भी कार्य बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कार्य करना है और कैसे आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर जो BC पॉइंट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन तरीका बताएंगे, ऑफलाइन तरीका बताएंगे, दोनों तरीके बताएंगे आपको। इन दोनों तरीकों से आप यहाँ पर अगर इन्हें फॉलो करते हैं सही से, तो यहाँ पर आप 100% आप यहाँ पर अपनी BC पॉइंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएंगे तो आप इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए यहाँ पर जो BC पॉइंट के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वाइट किए हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो एलिजिबल लोग हैं यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये जो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर लगभग सभी लोग आते हैं, जैसे CSE संचालक हो गए और नॉर्मल कोई भी यहाँ पर व्यक्ति इसके लिए यहाँ पर BC पॉइंट ले सकता है। इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आपको सर्विसेज कौन कौन सी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे डोर स्टेप बैंकिंग वाले सेक्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप नई वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम नीचे स्लाइड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बेनिफिट्स रहेंगे, आपको यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग मिलेगी, जो आपकी पूरी यहाँ पर जो आपका एक्सेस हो जाएगा। डोर स्टेप बैंकिंग आप कस्टमर को दे सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल यहाँ पर हो जाएगा, मनी ट्रांसफर की सर्विस मिल जाएगी, रिचार्ज और बिल पेमेंट का यहाँ पर पूरा आपको एक्सेस मिलेगा, और जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। APS के अंदर यहाँ पर कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट का यहाँ पर आपको कार्य मिलने वाला है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी आपको काम मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर यहाँ पर यही जो मेन हमारा यहाँ पर जो जिसके लिए हम यहाँ पर आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, यानी कि यहाँ पर अभी सिर्फ मोबाइल नंबर का ही मेंशन किया गया है, परंतु यहाँ पर जो आपको आधार अपडेट का भी यहाँ पर काम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से मिलता है। साथ ही साथ जीवन प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि वाला ये जो होता है RD वगैरह, इसका भी आपको काम यहाँ पर पूरा मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो अभी यहाँ पर आधार अपडेट है ये भी मिलने वाला है, साथ ही साथ चाइल्ड एनरोलमेंट भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द मिलेगा। और साथ ही साथ आपको चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए वहां पर एक टैब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप वहां पर कार्य करेंगे। देखते हैं हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। फिर से हम अपनी उसी वेबसाइट पर आ गए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहां पर आप नीचे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, यहां पर पहले मैं ऑफलाइन तरीका बताता हूं, फिर आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। दोनों तरीके आप फॉलो करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, तब आपको यहां पर 100% यहां पर आप ऐसे अगर दोनों तरीके को यहां पर फॉलो करते हैं तो आपको 100% यहां पर जो आपकी BC पॉइंट मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर आप आएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी आपको एक फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करके यहाँ पर फोटो आपको रखनी होती है। अब देखते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यू यहाँ पर करना है अप्लाई, तो आप न्यू पर यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर आपका अपना नेम रहेगा, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, यहाँ पर एड्रेस रहेगा कंप्लीट, आपका एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एड्रेस लाइन 1-2 में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे अलग से, अल्टरनेट नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है, इसे भी लिख देंगे। जो भी भरेंगे सब आप कैपिटल लेटर में भरिएगा यहाँ पर, और पैन कार्ड यहाँ पर लिख देंगे, ईमेल आईडी आपकी, और लैटिट्यूड और यहाँ पर लैंगिट्यूड आपको भर देना है इसका। यदि आपको अपना लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, यदि फिर भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वो भी बताएंगे कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फादर का यहाँ पर नाम भर देना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडल और यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मदर्स मैडन नेम यहाँ पर भर देना है, डेट ऑफ बर्थ आप भर देंगे ईयर और मंथ और डेट में, जेंडर आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर देंगे, अब यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन कर देंगे, और यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ ID यहाँ पर जो आपके और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं बहुत सारे हैं उसे आप यहाँ पर चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरनी है। बैंक डिटेल में काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही जो अकाउंट नंबर देना है, पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच का यहाँ पर आप जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का यहाँ पर अकाउंट नंबर दे सकते हैं। जैसे SBI है तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रांच नेम में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर IFSC कोड उसका आपकी ब्रांच का यहाँ पर दे देंगे। आपका अकाउंट पर जो नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे, अकाउंट का टाइप आपका कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और यहाँ पर आपका खाता संख्या यहाँ पर लिख देना है। अब देखते हैं, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करनी होती है, डेट यहाँ पर भर देंगे जिस डेट में आप यहाँ पर एप्लीकेशन को फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस में आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर और आप स्टाम्प यदि है तो वो भी यहाँ पर कर देंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 भरना होता है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो इसे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको नहीं करना है। देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने लगाए हैं उन्हें आपको टिक मार्क करना होता है। जैसे आप आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है उसके आगे यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, और एड्रेस के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया उसे आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। तो ये पूरा आपको पहले प्रिंट आउट पूरा पेज निकालना है कलर में, और उसके बाद आपको A4 साइज पर निकाल लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसे आप फिलअप कर दीजिएगा और कैपिटल लेटर में पूरा भरिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उन्हें आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी जो रहेगी आपकी यहाँ पर 10वीं पास रहना चाहिए, और यहाँ पर आपको फोटो जो आपको लगानी है साथ ही साथ आधार कार्ड की कलर फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, आपका जो 10वीं कक्षा का आपको जो मार्कशीट है वो भी लगानी है, और सब पे आपको सिग्नेचर करने यानी कि सारे आपके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स पे होने चाहिए तभी यहाँ पर मान्य किए जाएंगे। साथ ही साथ अपना आप पैन कार्ड लगा देंगे, और आपका जो आधार कार्ड मैंने बता दिया है, और जो भी आपके पास एडिशनल यदि कोई क्वालिफिकेशन है उसका भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स है या आपके पास CSE है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यदि आपने IIBF का यहाँ पर दे रखा है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पर सारे लगा दीजिएगा, और सब पर अपने सिग्नेचर या थंब जरूर कर दीजिएगा तभी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके फॉर्म तो भर गया है, अब आपको यहाँ पर जमा किसे करना है, तो आप सबसे पहले आप जाएंगे आपके जो तहसील यानी कि आप जो ब्लॉक लेवल पे एक यहाँ पर जो मेन ब्रांच होती है आप वहाँ पर जाएंगे, उनसे पहले बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मुझे BC पॉइंट लेना है। यदि वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉय हैं वो आपकी बात समझते हैं उन्हें इस बात का नॉलेज है तो आप उन्हें ही अपना फॉर्म हैंड ओवर कर सकते हैं और वो आगे आपकी प्रोसेस को बढ़ा देंगे। यदि वो वहाँ पर मना करते हैं, काफ़ी जगह यहाँ पर होता है कि वो कह देते हैं नहीं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है आप कहीं और ट्राई कीजिए, तो उसके इसमें आपको क्या करना है वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आपको नहीं जमा करने, उसके लिए आप जाएंगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मेन ब्रांच होती है उसे आप वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे पहले बात करेंगे, और ये जो पूरा एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर उसे हैंड ओवर कर सकते हैं अपने वहाँ पर ऑफिस में। देखते हैं आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्कल एंड ब्रांचेज में जो आप पर लिंक दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पहले अपना स्टेट चुन लेना है, तो यहाँ पर आपको टोटल देखिए हमारे यहाँ पर 73 ब्रांचेज हैं तो यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ से आपको जो नियरेस्ट ब्रांच रहती है वहाँ पर भी आप जाके जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे और इन्हें अपने पूरे डॉक्यूमेंट देंगे और उनसे बात करके यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सरल है, इसके लिए आपको कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करनी होती है। अब देखते हैं यहाँ पर जो मान लीजिए मेरे पास ये वाली जो ब्रांच है ये मेरी सबसे नियरेस्ट ब्रांच है, तो मुझे इसमें अगर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इस जो ईमेल आईडी इसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको क्या करना है इनके यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी आप जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है यहाँ पर दिया गया उसके थ्रू भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप पहले जो ईमेल आईडी आप देख लेंगे कौन सी ईमेल आईडी है उसे आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी जीमेल में जाएंगे और जो भी यहाँ पर आपको इनकी ईमेल आईडी जो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देंगे फॉर BC पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से और नीचे यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल लिख देंगे। पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और आपका वहाँ पर मोबाइल नंबर क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर एड्रेस में आपका पिन कोड जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पिन कोड के थ्रू ही आपका यहाँ पर जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आपकी डिटेल्स भेजी जाती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपना रीजन पूरा देंगे कि आपको यहाँ पर इस लोकेशन से हैं और आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की BC पॉइंट लेनी है, इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर लिख के उन्हें यहाँ से आप सेंड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 से 12 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाता है, कभी कभी थोड़ा कम लगता है, कभी कभी ज़्यादा लगता है। उसके बाद आपको हो सकता है इसी मेल के थ्रू आपको रिप्लाई आपके जीमेल पे ही आ जाए, और कभी कभी आपको सीधा कॉल भी आ जाती है। तो जब आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा तो वहाँ से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यदि रिप्लाई नहीं आता है तो आपका जो नंबर आपने यहाँ पे मेल भी किया होगा उस नंबर पे आपको कॉल भी आ सकती है, तो वहाँ पर आप उनकी कॉल पिकअप करेंगे और वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि यदि आप इंटरेस्टेड है तो आपने बताएंगे हाँ इंटरेस्टेड है, तो आप वहाँ पर पहले फिर उनसे बात करेंगे, उनके ब्रांच का एड्रेस लेंगे कि किस ब्रांच में आपको आना है, और पहले उस ब्रांच में आप जाके देखेंगे कि आपको जो कॉल आई है वो बिल्कुल सही कॉल आई है, कोई फ्रॉड वर्ड तो नहीं है। उसके बाद यदि आप पाते हैं कि सब कुछ सही है तो उनसे बात करेंगे, और जो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट बोला जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, साथ ही साथ उनके थ्रू एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने को वहीं पे दिया जाएगा, वो आप भर के उन्हें हैंड ओवर कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने यहाँ पे, और वहाँ पर ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर 15 दिन का समय लगता है और आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है। आईडी क्रिएट होने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहाँ पर जमा करना होता है, और स्टाम्प वगैरह यहाँ पर थोड़ा और प्रोसेस होता है उसे आपको पूरा करना होता है, फिर आप यहाँ पर ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। ऑनबोर्ड होने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, और ट्रेनिंग प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आप यहाँ पर पूरी तरीके से आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही जो तरीका रहता है ऑनलाइन का तरीका, ऑनलाइन तरीका भी बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन तरीका में थोड़ा जो लेट हो जाता है, और यदि आप चाहते हैं तो आप यदि कर पाएँ तो आप दोनों काम कर लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 101% इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ब्रांच का BC पॉइंट ले सकते हैं। तो यही जो तरीका है ऑनलाइन तरीका भी बढ़िया है, ऑफलाइन तरीका भी बढ़िया है, यदि आप कर सकें तो दोनों पर काम कर लीजिएगा, यदि नहीं हो पाता है तो
जो आपको ठीक लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई असुविधा आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएगा, कमेंट करिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।